हाय दोस्तों दोस्तों अगर आप अपनी बाइक को किसी भी टाइप की बाइक में, सुपर बाइक में या स्ट्रीट फाइटर में या हायाबुसा की रेप्लिका में मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करना होता है कि आपको अपने टैंक पे एक टैंक कवर लगाना होता है, तभी उस बाइक का परफेक्ट लुक आता है, बल्कि लुक आता है। अगर आप हायाबुसा बना रहे हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही काम होगा जैसा मैं इसमें बनाऊंगा, लेकिन अगर आप कोई और स्पोर्ट्स बाइक यूज बना रहे हैं तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मेजर चीजें ऐसी ही रहेगी। दोस्तों अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि हायाबुसा की रेप्लिका में ये कैसा फिट होता है या किसी भी बाइक में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कुछ भी ना छोड़े, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं, जो कुछ भी गलत हो गई तो शायद आपका कवर प्रॉपरली ना बैठे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम गवाए बिना चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि ये टैंक कवर कैसे फिट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये CBR 250 जो हायाबुसा बन रही है इसके ऊपर टैंक कवर कुछ इस तरह से लगा हुआ है। अभी ये पूरी तरह से फिट नहीं है क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए अभी ये बस रखा हुआ है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से ये फिट होता है। तो अब मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि इसको फिट करने के लिए क्या क्या चेंजेस ज़रूरी है या क्या क्या चेंजेस आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि टैंक में बहुत सारे ऑल्ट्रेशंस है, बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत सारी प्लेट्स अलग से लगी है, वेल्डिंग करी हुई है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल टैंक होता है उसके अंदर ये जो कवर होता है वो यहाँ होता है, और हायाबुसा के अंदर जो हायाबुसा का कवर होता है वो थोड़ा पीछे होता है, तो क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी बड़ी होती है इसके मुकाबले टैंक के, तो सबसे पहले तो हमें जो करना होता है इसको हमें पीछे करना होता है, और उसके बाद वो थोड़ा बड़ा भी होता है तो ऊंचा भी होता है और इसको ऊपर भी उठाना पड़ता है। बाद में जो साइड्स के हमारे कॉर्नर होते हैं ये अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से, किसी की टंकी लंबी होती है, किसी की चौड़ी होती है, तो CBR की काफ़ी चौड़ी टंकी है तो हमें इन्हें पचकाना होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए ये पूरा डेंटिंग किया हुआ है, इसको पचकाया हुआ है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ से इसको काट लेना होता है तो हमारा ये निकल जाता है। इसको निकालने के बाद हमें उसके साइज़ की पट्टियाँ काट लेनी होती है शीट पे, जो CR शीट होती है, और उसके हिसाब से फिर इसको थोड़ा ऊपर उठा के इसको यहाँ पर वेल्डिंग कर देनी होती है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये उठा हुआ है, तो आपको टैंक कवर रख के ही देखना है कि क्या चेंजेस उसमें करना है, कहाँ पचकाना है। वो एग्जैक्टली हर टैंक का थोड़ा अलग होता है लेकिन बेसिक डिज़ाइन यही होता है। जैसा ये सामने से भी पचकाया हुआ है क्योंकि हायाबुसा का टैंक ऐसा स्लोप में आता है तो यहाँ भी उठी हुई चीज़ उस पर टकराएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये होता है, एक आपको ध्यान रखना है कि अब कवर इसके ऊपर आ रहा है तो आप देख सक रहे हैं ये आगे था, इस पर यहाँ लगा हुआ था टैंक का फ्रंट पार्ट, तो हमने उसको भी थोड़ा पीछे किया हुआ है ताकि टैंक कवर इसके ऊपर आ सके और यहाँ पर गैप रहे थोड़ी सी। तो ये चीज़, उसके बाद दोस्तों ये करना होता है हमें कि दो पट्टियां सामने बनानी होती है, जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी, ताकि हम सामने से उस टैंक कवर को लॉक कर सके। तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए पट्टियां बनती है, मैं आपको क्लोजअप में दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको दो पट्टी सामने बनाना है जिस पर टैंक लॉक होगा, मैं रख के दिखाऊंगा वापस नट कहाँ आते हैं, और सेम इसी तरह से टैंक के लिए पीछे बनाना है। तो पीछे जो आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपका ऊपर हाइट उठाना है, वो कितनी उठाना है आपको टैंक कवर रखने के बाद समझ में आ जाएगी, और वैसे ही दो नट्स आपको यहाँ भी लगाना है। इसके बाद जब हम टैंक का कवर रखते हैं तो कुछ इस तरह से हम टैंक कवर को रखते हैं, तो अब देखिए दोस्तों ये इसमें बराबर आपको मिला लेना है होल टू होल अब इसमें, और ये यहाँ फिट हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है, और यहाँ नट्स टाइट होने के लिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए पट्टी के होल्स मैच कर गए हैं नीचे में, और ये हाइट उठ के आपको इस तरह से इसको लगा देना है। दोस्तों आप इसमें एक चीज़ है, हर लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है, मैं इस कवर को हाइट के लेवल में रखता हूँ या थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, कुछ लोग इसको बिल्कुल लेवल में रखते हैं। मेरा उसको लेवल में नहीं रखने का मेन कारण ये है कि मेरा ये सोच है कि पानी इससे टकरा के यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर आप इसको ऊंचा रखते हैं, इसके लेवल में रखते हैं, तो साइड से, क्योंकि ये स्लोप्ड है
तो ये पानी और टैंक के अंदर जाता है। अब ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं नीचे रखना प्रेफर करता हूँ ताकि पानी ये स्लोप से उतर के यहाँ से बाहर चले आए। आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। मैं आपको आगे के होल्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ एक और यहाँ एक होल होता है, दिख गया आपको? तो इस तरह से ये चार नट पे ये हमारा टैंक कवर फिट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक ऊपर दे दिया है, उसे भी देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।